यही रहेगा है बाबू। इसको लग रहा है कि हम ऑफिस जा रहे हैं इसलिए रोने लगा। जैसे ही कपड़ा पहनते हैं ये रोने लगता, तभी से नहीं रो रहा था, सिर्फ कार्टून देख रहा था, अब देखिए रोने लगते हैं। अब इसको लगता है जाओ ठीक है जा रहे बाय 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 बैठो बैठो यहाँ पे। इसका आँख पूरा लाल लाल है। बाबू देखो ये रोने लगा अब देख कर बाबू। पटना जंक्शन भीड़ भाड़ इतना है ना गाड़ी का, मत अभी जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत रिकवरी कर रहा है। दिखा रहा था 55 लेकिन अभी 5:45 दिखा रहा था, 10 मिनट का मैनेज कर लिया ट्रेन, लेट था ट्रेन। टाइम 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 इतना करता है ना, गुस्सा इरिटेशन आ रहा है। महावीर मंदिर उधर है, जंक्शन महावीर मंदिर नेशनल फ्लैग है। पहले उतना अच्छा नहीं था, अभी अच्छा बना दिया हमने। पटना जंक्शन पे आ गए हैं और अभी एंट्री करेंगे। सामने का पटना जंक्शन का दृश्य इस तरह का है, गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं, भीड़ देख सकते हैं। वही उपासना एक्सप्रेस है, उसी से जाना है, हर बार उसी से जाते हैं। आज ट्रेन 15-20 मिनट लेट है, देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा। सामने में घर है, इधर से भी एक में भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, उधर ही जाएंगे। अभी वहाँ जा करके चेक करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर कितना पे आएगा, और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए उपासना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगा, सामने में 20801 उपासना एक्सप्रेस डायरेक्ट देहरादून से आती है। देख सकते हैं खूबसूरत बड़ा जंक्शन, हॉस्पिटल वगैरह सब आसपास में ही है। ये है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। उपासना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगा, 17:44 दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, अभी 2 पे जाएंगे। इधर है प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। मेरा A150 है, सेकंड क्लास A150 नंबर सीट है। जगह पे ही बैठ जाते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर आरा को जाने वाली गाड़ी संख्या 0321। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब गर्मी है यहाँ, 40-40 डिग्री सेल्सियस अभी है। ट्रेन आया कौन है पता नहीं, वो बांद्रा कोलकाता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी कितना अच्छा सा है, एकदम गर्मी है अभी देखिए चेहरे के। इसी पे बैठेंगे मैनेजमेंट कितना है अभी इस पे आने वाला। तो उपासना एक्सप्रेस मालगाड़ी आकर रुक गया, मुझे लगा उपासना एक्सप्रेस मालगाड़ी में कैसे चेंज हो गया, हम सोचे लगा गलत
प्लेटफॉर्म पे आके रुके हुए हैं, लेकिन टू प्लेटफॉर्म पे बता रहा था स्क्रीन पे भी, और वेयर इज माई ट्रेन उस पर भी बता रहा था, लेकिन अभी तक ये रुका हुआ है। तो ये उपासना एक्सप्रेस कब आएगा? सचिवालय हॉल के पास जाकर रुका हुआ है, परेशान हो रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। हो रहा है उपासना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गए, मालगाड़ी यही है 3, सचिवालय हॉल के पास गाड़ी रुका हुआ है। ये सब डिफिकल्टी आ रहा है, गर्मी में अभी सीना बह रहा है, प्लस कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होते जा रहा है। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 2, लेकिन यहाँ अभी 3 बता रहा है, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। स्क्रीन पे अगर कुछ बता रहा है तो ऐसा जरूरी कि वो सही हो जाएगा, बाद में मॉडिफिकेशन होगा। अनाउंसमेंट में क्या बोला जा रहा है वो भी सुनना जरूरी रहता है। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जब मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, आने वाला है 7 पे, फिर यहाँ से सामान लेकर आओ, अकेला है तो दौड़ के भी जा सकता है। एक्चुअली यहाँ पे 8-10 मिनट रुकता है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा सामान है, फैमिली है, तो उसको दिक्कत होता है, तो ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चाहे आपका टिकट एसी में हो, स्लीपर हो, चाहे आपका जनरल में हो, बात तो बराबर ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि एसी वाले का कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे देता, नहीं, वो भी कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे हमारा एसी में है तो हम भी कन्फ्यूज थे कि अभी 2 पे आएगा कि 3 पे आएगा, क्योंकि तो मालगाड़ी जाकर रुका हुआ है, तो अभी 3 पे अनाउंस कर रहे हैं, 3 पे ही आएगा, यही है 3। सब लोग पहले उधर वेट कर रहा था, अभी आ गया, ट्रेन आ रहा है, तभी वो गलत था, ये 3 पे आ रही है, देख सकते हैं सामने वो हावड़ा लिखा हुआ है, हमारा A1 में है, तो देखते रहना पड़ेगा A1 किधर है। हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस भाई, A1 B1 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ देखते रहना पड़ेगा ये कौन सब होगी। स्पीड है, अगर उधर रहा तो M1 है, ये B4 है, दौड़ो दौड़ो, जिसका B4 में है दौड़ेगा उधर, B3 पता ही नहीं चलता कहाँ पे कौन सा बोगी लगेगा, ये B3 है, B2 है, अब लगता हमारा आ जाएगा, ये B1 है, पहले B1 B2 और में जाते थे, अभी इस बार A1 कर दिया है, पीछे में होना चाहिए A1, A2 है, अब A1। अरे भाई उधर दौड़ना पड़ेगा हमें, वैसे ट्रेन रुकेगा, ये यहाँ पे ये है हमारा A1, ये वाला ये लगभग, अरे अचानक रुका यहाँ पे, सही जगह पर रुक गया, वाह वाह, A1 में रुका है, चलो चलो ये देखिए सब लोग कैसे जा रहे हैं।